अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो है मैं इस वीडियो में कंपैरिजन करने लगा। हमारे पास यहाँ पे स्विच ओलेड है और टॉप पे हमारे पास स्टीम डेक ओलेड वर्जन है। तो क्या आप लोगों को 2024 में स्विच परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड पे बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और ताकि आप लोग डिसाइड कर सकें कि कौन सी आपको परचेज़ करनी चाहिए। तो टॉप है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया, हमारे पास यहाँ पे स्टीम डेक ओलेड है और ये बेसिकली जो है गेमिंग पीसी, आप कह सकते हैं इसको हैंड हेल्ड गेमिंग पीसी है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ये और इसमें जब जो है दोनों में सेम गेम चल रही है, विचर 3 जो है मैंने की हुई है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे डिफरेंस। हमारे पास जो है वेदर जो है ये थोड़ा सा चेंज हुआ है कंडीशन, तो आप लोग उससे मत जज करना। ये यहाँ पे दोस्तों ग्राफिक्स भी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में, जो कि स्टीम ओलेड में आप लोग जो है स्टीम डेक ओलेड में चेंज कर सकते हैं। जैसे पीसी में हमें ऑप्शन मिल जाती है ग्राफिक्स चेंज करने की, और ये 40 FPS पे दोस्तों ये चल रही है गेम, और मैं आप लोगों को सेटिंग्स भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ गेम प्ले है हमारे पास यहाँ पे स्टीम डेक ओलेड में, और ये विचर 3 नेक्स्ट जेन अपडेट है इसमें, यानी कंप्लीट एडिशन है जिसमें रे ट्रेसिंग भी का सपोर्ट भी है, पर रे ट्रेसिंग फिलहाल जो है इसमें ऑन नहीं कर सकते। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ वीडियो में जाके ग्राफिक सेटिंग्स। यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे हाई सेटिंग है कुछ में, और बाकी हाई मीडियम और लो सेटिंग्स हैं, यानी मिक्सचर है इस सब का, ताकि ये हमें जो है स्टेबल FPS मिल जाए 40 FPS। तो दोस्तों इसमें आप लोग 40 FPS पे खेल सकते हैं यहाँ, जबकि स्विच में हमारे पास दोस्तों यहाँ पे रेजोल्यूशन भी इसकी कम है और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ये जो है लैग करती है विचर 3 यहाँ पे स्विच में। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है इसकी बिल्कुल भी, 580p, आई डोंट नो कि कौन सा इसकी जो है रेजोल्यूशन भी कम है। हालांकि यहाँ दोनों में 720p डिस्प्ले, सॉरी स्टीम डेक ओलेड में 800p डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। दोनों की डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, कलर्स दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं ओलेड डिस्प्ले की वजह से। तो लेकिन स्मूथनेस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास स्टीम डेक ओलेड में जो स्मूथनेस है गेम की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्होंने जो है दोस्तों बनाई है, और ये ज़्यादा पावरफुल है निंटेंडो स्विच से अगर हम बात करें। स्विच में जो है दोस्तों हमें जो है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देखने को मिलती, और जबकि आप ये स्टीम डेक ओलेड में दोस्तों आप पीसी की गेम्स भी खेल सकते हैं। लाइज ऑफ पी भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे और भी इन्होंने गेम है, सीफू की भी अच्छी परफॉर्मेंस है, और क्रैश बैंडिकूट जो है दोस्तों उसकी तो 60 FPS आपको देखने को मिल जाएंगे, जबकि स्विच में आपको 30 FPS देखने को मिलेंगे विचर 3 में। और काफ़ी ज़्यादा गेम्स हैं दोस्तों स्विच में जिसमें 30 FPS हैं, बस ये जिसकी स्विच की एक्सक्लूसिव गेम्स हैं, जिस तरह के सुपर मारियो होगी, डोंकी कॉन्ग, इसमें आप लोगों को दोस्तों 60 FPS देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे रेड डेड रिडेम्पशन है, ये भी 30 FPS पे जो है लॉक हुई हुई है। तो मेरे हिसाब से पावरफुल कंसोल की अगर हम बात करें तो स्टीम डेक ओलेड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और ये ऐसी गेम्स खेल सकता है जिस तरह के आप देख सकते हैं स्ट्रीट फाइटर 5 है यहाँ पे। ये स्ट्रीट फाइटर 5 दोस्तों अब स्विच में अवेलेबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मल्टी प्लेटफॉर्म गेम्स जो है वो स्विच में अवेलेबल नहीं है, जबकि स्टीम डेक ओलेड में सारी पीसी की गेम्स आप तकरीबन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि विचर 3 दोस्तों ये 30 FPS है, और ये 25 FPS पे भी ड्रॉप करती है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी नहीं है, रेजोल्यूशन भी जो है बिल्कुल 720p नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि 2024 में दोस्तों अगर आप लोग कोई पावरफुल कंसोल ख़रीदना चाहते हैं तो स्विच मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए अच्छी ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा देर से रिलीज़ हुई हुई है। तो जबकि स्टीम डेक ओलेड दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस मैं आपको सीरियसली बताऊं बहुत ज़्यादा अच्छी है। रैम इसमें जो है 16 GB रैम देखने को मिल जाएगी, स्विच में आप लोगों को जो है 4 GB रैम का जो है सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल कंफर्टेबल भी है ये स्विच जो है, ये जो स्टीम डेक ओलेड है कम्फर्टेबल भी है, ज़्यादा देर तक अगर आप गेमिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है कंपैरिजन अगर हम स्विच से करें। हालांकि स्विच का साइज़ जो है दोस्तों छोटा है स्टीम डेक ओलेड से, ट्रिगर्स भी इसके दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इन्होंने बनाए हैं, जिस तरह के आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मतलब जिस तरह एक्सबॉक्स का कंट्रोलर था वैसे ही इसके जो इन्होंने ट्रिगर्स बनाए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे इन्होंने बनाए हैं। तो बैक साइड से भी आप बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड इसकी बिल्ड क्वालिटी है स्टीम डेक ओलेड की, स्विच की भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, और स्विच लेकिन थोड़ी सी छोटी और मतलब इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है पकड़ने में कंपैरिजन अगर हम स्टीम डेक ओलेड से करें। तो यहाँ पे 512 GB मेरे पास मॉडल है, और स्विच में भी आप लोग जो है इंटरनल आप लोगों को जो है सिर्फ 64 GB देखने को मिल जाएगी, लेकिन आप SD कार्ड से अपग्रेड कर सकते हैं। इसका जो देखें दोस्तों आप ट्रिगर, यहाँ पे क्लिक वाला बटन है, जो कि रेसिंग गेम्स इसमें वैसे भी इतनी ज़्यादा नहीं है स्विच में, तो सुपर मारियो में भी ये जो है दोस्तों ये बस ऐसे क्लिक होता है, जो कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं ऑनेस्टली। तो बटन भी इन्होंने जो है काफ़ी छोटे से बनाए हुए हैं एनालॉग भी, बस इसमें यह है दोस्तों कि आप लोग इसको निकाल के जो है मल्टीप्लेयर गेम खेल सकते हैं, टू प्लेयर गेम्स कोई सी भी जो खेल सकते हैं ऑफलाइन पे, जो
जो कि काफ़ी अच्छा जो है फीचर है कि जॉयकॉन्स इसके निकल आते हैं इस तरह डिटैच हो जाते हैं। फिर यहाँ पे स्टैंड भी है बैक साइड पे, जिससे आप रख के दो लोग खेल सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास और जॉयकॉन्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग खेल सकते हैं। इसमें दोस्तों आप लोग ब्लूटूथ कंट्रोलर कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसे कोई ऑप्शन नहीं हमें देखने को मिलती है डिटैच की। तो इसमें दोस्तों हमारे पास जो है स्टीम डेक ओएलईडी में डेस्कटॉप मोड भी हमें देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल पीसी की तरह आप लोग इसको डॉक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको वही फंक्शनैलिटी मिल जाएगी सारी, जिस तरह के बिल्कुल एकदम डेस्कटॉप वाला एक्सपीरियंस है दोस्तों। इसमें स्टीम ओएस चल रहा है और यहाँ पे जो है फायरफॉक्स मैं लगाता हूँ, ब्राउज़र आप लोग कुछ भी मतलब देख सकते हैं ब्राउज़र में जाके भी, और जिस तरह यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, सीजन्स अपने देख सकते हैं, कुछ भी मतलब कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी ऑप्शन हमें एक देखने को मिल जाती है। और काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है ये ब्राउज़र इसका दोस्तों, और जिसमें आप मैं भी आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों, कलर्स इसके जो है ना एकदम परफेक्ट है मैं कहूँगा, बहुत अच्छी इसकी वाइब्रेंट डिस्प्ले। ओलेड स्विच की भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा इन्होंने जो है डिस्प्ले बनाई है, पर मेरे हिसाब से स्टीम डेक ओलेड की डिस्प्ले इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्तों बनाई है। तो अगर ऑनेस्टली दोस्तों मैं बात करूं, स्विच जो है 2024 में आपको मेरे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास पैसे हैं ज़्यादा तो आप लोग स्टीम डेक ओलेड परचेज़ करें। तो अगर आप लोगों को सस्ता वर्जन चाहिए जिसमें आपको सिर्फ गेमिंग करने और लोगों को ग्राफिक्स का इतना इशू नहीं है, तो आप लोग जो है स्विच ओलेड ख़रीद सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से स्टीम डेक ओलेड सबसे अच्छी ऑप्शन है इस टाइम परचेज़ करने के लिए। आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होगा 60 FPS पे, जो ज़्यादातर गेम्स दोस्तों स्विच में हमें 30 FPS में देखने को मिलती हैं, वो हमें जो है स्टीम डेक ओलेड में 60 FPS में देखने को मिल जाती हैं। क्रैश बैंडिकूट जो है उसमें PC के ग्राफिक्स, क्रैश बैंडिकूट भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड की हुई है स्विच में। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट ज़रूर कर दें, लाइक कर दें, और मेरे हिसाब से स्टीम डेक ओलेड जो है बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।